यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को छात्र संघ चौराहा के समीप चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों पर विभाग द्वारा जागरूकता स्टिकर लगाया गया, जिससे लोग स्टिकर पर अंकित ट्रैफिक नियमों को पढ़ें और जागरूक हो। जागरूकता अभियान के तहत बिना हेलमेट के चल रहे वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया तथा उन्हें बताया गया कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। माँ बाप को मातम पे मनाते हुए जाओगे जैसे कुशीनगर में हो गया है, उस तरीके से जाना चाहते हो? जो कुकुर जैसे काम कर दो, फोन करवाओगे, सिफारिश करवाओगे, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भैया इनकी फोटो खींच में देख लग रहा है, महान हस्तियाँ हैं, ये जान देने को तैयार। इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ। हेलमेट का कोई भरा ही है, इंतजाम कर दे जो है, लेकिन हेलमेट रहता है तो कम से कम उसको पकड़ लिया जाता है, नहीं तो पाया जाता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी है, क्योंकि कैबिनेट ने आज नए मोटर वाहन अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब सड़क पर ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे, 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। 1,000 रुपए है बिना मारे जाएंगे, जिन्हें 25,000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 3 साल की सजा हो सकती है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी है, क्योंकि कैबिनेट ने आज नए मोटर वाहन अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब सड़क पर ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे, 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। हम लोग नियमित रूप से हमारा अभियान चलता है, जनता में यातायात के नियमों के विषय में जागरूकता और सड़क सुरक्षा के विषय में जागरूकता के लिए हम लोग नियमित इस अभियान को चला रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक सुरक्षा की भावना का विकास हो और यातायात के नियमों का पालन करें। अभी स्टिकर लगा रहे हैं क्या उसका? जी, हम लोग स्टिकर्स भी लगा रहे हैं कि लोग उनको पढ़ें और उनको नियमों का पालन करें, जैसे हेलमेट है कोई चीज़ है उसको जो है सही से लगा रहे हैं।